ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंडवाल पंचायत के गांव चंद्रानपुर बंडा के लोगों ने अवैध खनन को लेकर तहसीलदार नूरपुर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कंडवाल के पंचायत प्रधान के खिलाफ अवैध खनन करने के लिए आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ह्यूमन राइट मंच के जिला अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि लगभग 8 महीने पहले प्रधान के खिलाफ कुछ मामलों को लेकर SDM नूरपुर और DSP नूरपुर को शिकायत दर्ज करवाई थी, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर गाँव के लोगों का प्रशासन के प्रति काफी रोष है। कंडवाल पंचायत के गांव चंद्राहन व बरंडा के लोगों ने अवैध खनन को लेकर तहसीलदार नूरपुर को ज्ञापन सौंपा है। कंडवाल के पंचायत प्रधान के खिलाफ अवैध खनन के आरोप लगाए गए हैं। गांव के लोगों का प्रशासन के प्रति काफी गहरा रोष है। लोगों का आरोप है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। ह्यूमन राइट मंच के जिला अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि लगभग 8 महीने पहले प्रधान के खिलाफ कुछ मामलों को लेकर SDM नूरपुर और DSP नूरपुर को शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पठानिया ने आरोप लगाया है कि एक प्रधान ने पूरा प्रशासन पंगु बनाया हुआ है। नूरपुर प्रशासन फिसड्डी कर रखा है। प्रशासन कौन सी भाषा समझता है वो हमें बताए। जी, मेरा नाम राजेश पठानिया और मैं सिटीज़न वॉच फॉर ह्यूमन राइट्स का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कंडवाल का निवासी हूँ और ये पिछले करीब 7-8 महीनों से प्रधान के खिलाफ, अरविंद गुलेरिया के खिलाफ 4-5 शिकायतें हमने SDM साहब, BDO साहब, पुलिस में दर्ज करवाई हूँ, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इवन CM तक लिखा और जाँच कमेटी आई और उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी बिना इन्वेस्टिगेशन किए। और उसके बाद उन्होंने जिसमें वो बहुत फंस जाते थे, तो वहाँ उन्होंने एक सेक्रेटरी से बयान दिलवा दिया कि हमारे जी वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रधान ने पूरा प्रशासन पंगु बनाया, नूरपुर प्रशासन उसने फिसड्डी कर रखा सारा, क्योंकि हमारे प्रधान ने ये सिलसिला लगातार जारी है। उसने हमारे गाँव के बीचों बीच 350 मीटर खड्ड उखाड़ी, और जब हमने पंचायत में ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमने NOC लिया, और जब हमने वो NOC के डॉक्यूमेंट्स लिए, वो मेरे पास हैं अब भी, और उसमें उन्होंने बाद में डाले हुए थे, मतलब उसने पंचायत में भी फर्जी दस्तावेज डाल के खनन किया, खनन को अंजाम दिया, और आज वो खड्ड सुननी पड़ी हुई है। हमने शिकायत SDM साहब से लिखित की, DGP को भेजी, DPO को भेजी, SP को भेजी, कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने हमें पूछा तक नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। अब उसके हौसले इतने बढ़ गए हुए हैं कि उन्होंने चंद्रान में जाके वही कार्य किया, और तीन चार दिन तक जैसी भी लगी रही है। गाँव के लोगों ने जब जब जाके उसको रोका तो वो भागते रहे, वो वीडियो में लोगों ने बनाया और वो सब, फिर वो 2 लोगों को लेके आया और पूरे प्रशासन को और अपने गांव को गुमराह कर रहा है कि वहां पे जी हमने गांव का समर्थन हमारे पास है। ये सारा गांव आया हुआ है, ये गांव के लोग हैं। आप बताएं कि कहां इन्होंने समर्थन दिया उसको, अगर इसने समर्थन दिया होता तो यहां क्यों आते। और माइनिंग अधिकारी का कहना कि उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया हुआ, जी NOC लिए हुए गाँव वालों से, कहां NOC, ये गाँव वाले तो यहां खड़े हैं, किसने दी उसको NOC? क्या माइनिंग अधिकारी ने उनको ये आदेश दिए थे कि आप खनन कर लो? अगर खनन किया तो हमें बताया जाए कि माल कहां, कितना उखाड़ा गया। तो हम ये चाहते हैं और प्रशासन से हमारी उम्मीद अभी बरकरार है कि आज नहीं तो कल ये जागेगा। सर, कितना लोग बर्दाश्त करेंगे? भ्रष्टाचार करने की कोई सीमा होती है? अब आप एक भ्रष्टाचारी को इतना संरक्षण देंगे तो वो तो बढ़ता जाएगा, और ये उसकी मिसाल है कि आज वो लगातार एक से एक बढ़कर भ्रष्टाचार किए जा रहा है और प्रशासन उसको पूछ नहीं रहा। अब हमें भी बताया जाए कि हम कहाँ जाएँ, हम क्या धरना प्रदर्शन करें, सड़क रोकें, क्या भूख हड़ताल पर बैठ जाएँ यहाँ पर? मतलब प्रशासन कौन सी भाषा समझता है वो हमें बताएं। नूरपुर तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बताया कि कंडवाल के लोग ज्ञापन लेकर आए थे पंचायत प्रधान के खिलाफ। जो ज्ञापन मिला है, जिस भी विभाग से संबंधित है, उन्हें भेज दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। आज कंडवाल पंचायत के स्थानीय वासी जो हैं, एक डेलीगेशन के साथ आए हुए थे, जिन्होंने वहाँ के लोकल पंचायत प्रधान अरविंद गुलेरिया हैं, उनके खिलाफ शिकायत की है कि वो लंबे समय से अवैध खनन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा मामला उन्होंने लिखा है कि वो आज आज़ादी से 72 साल बाद भी सड़क से वंचित हैं, और जो भी ज्ञापन उन्होंने हमें दिया है वो जो भी विभाग से संबंधित है उनको भेजा जाएगा और मामले की उचित कार्रवाई और उचित रिपोर्ट संबंधित विभाग से ली जाएगी।